लॉकडाउन के चलते 2 महीने से बंद रोडवेज बस सेवा आज से शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सीमित मार्गों पर गाइडलाइन की पालना के साथ प्रदेश के 55 मार्गों पर सुबह 7 बजे से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ। राजधानी जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर, चौमूपुलिया और दुर्गापुरा से रोडवेज बसों का संचालन किया गया। हालांकि अभी सिंधी कैंप बस स्टैंड से बसों का संचालन नहीं किया जा रहा। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। फिलहाल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर से सुबह 8 बजे करौली के लिए और 9 बजे धौलपुर के लिए रोडवेज बस रवाना की गई। सभी बसों में सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई। एक बस में केवल 30 यात्रियों को ही बैठाया गया। यात्रियों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई और इसके बाद हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। बसों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं सभी यात्रियों के लिए मास्क लगाना भी यहां पर अनिवार्य रखा गया है। बसों में जो अपने 50 की कैपेसिटी की बस है उसमें 30 लोगों को ही अलाउ किया गया है, बाकी सीटें ब्लॉक कर दी गई है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग जो कोविड के थ्रू जो अभी मैसेज है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। और बाकी सभी लोगों की थर्मल चेकिंग गेट पे ही की जा रही है। जो हमारी बस स्टैंड हो पर पूरी व्यवस्था इसकी की गई है और जो बसों का स्टॉपेज है वो भी सिर्फ हमारा जो डिपो हेडक्वार्टर है वहीं किया गया है। छोटे स्टैंडों पर इसका स्टॉपेज नहीं किया गया है। वहाँ से जो सवारी बैठेगी किसी भी स्टैंड से वहाँ थर्मल चेकिंग और लिस्ट के